बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जिस रेसिपी का इंतज़ार बहुत दिनों से हो रहा था, तो वो रेसिपी लेकर हम आज हाजिर हुए हैं। जी हाँ, आज हम आपको सिखाएंगे मुगलाई डिश। हम बात कर रहे हैं मुर्ग मुसल्लम की। तो मुर्ग मुसल्लम बनाने के लिए हमने देखिए ये होल चिकन ले लिया है और इसे साफ़ करके रख लिया है। और अब हम सबसे पहले इस पर कट्स लगाएंगे। एक छुरी की मदद से हम ऐसे डीप कट्स लगा रहे हैं इस पर। अब हम इसमें 2 कप दही ऐड कर रहे हैं। दो टेबलस्पून हमने इसमें रिफाइंड डाला है। लेमन जूस डालेंगे हम इसमें 2 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून हमने इसमें विनेगर डाला है, हस्बे जायका नमक, अब हम इसमें 2 टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई डाल रहे हैं, और इसे अब अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। नाज़रीन, इस तरीके से हमने मैरिनेट कर दिया है और अब आप इसे रेफ्रिजरेट कर देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। इधर हमारा टाइम पूरा हो चुका है, 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, तो आइए प्रोसेस शुरू करते हैं इसे बनाने का। जिसके लिए हमने 3 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल लिया है। अब इसमें हम 5 बड़ी प्याजें जिन्हें हमने इस तरीके से बारीक काट लिया था, वो इसमें ऐड करी है। और इसको पिंक होने तक आप इसे फ्राई करेंगी, हल्की पिंक, हल्का गुलाबी, और फिर आप इसे निकाल लेंगी। आपको ब्राउन नहीं करना। देखिए, हम प्याज निकाल रहे हैं और थोड़ी सी प्याज रहने देने के बाद आप इसमें अपना मुर्ग, जो साबुत मुर्ग है, वो इसमें डाल देंगे और उसे चारों तरफ से अलट पलट कर थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इस तरीके से आप उसे फ्राई करेंगे। हमने कुछ बादाम उबाले हैं। अब हम इसमें जो हमारा दही और जो मसाले थे जिसमें हमने मैरिनेट किया था, वो सब इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें हमने डाला है 2 चम्मच चिरौंजी। अब इसमें हम डाल रहे हैं काजू, हैंडफुल ऑफ काजू, किशमिश, हैंडफुल ऑफ किशमिश, और इधर साइड में आपने प्याज और साथ हरी इलायची और 1/2 कप दही लेकर इसका पेस्ट बना लेना है। और अब हम इसमें ये पेस्ट ऐड कर रहे हैं। नाज़रीन, मुर्ग मुसल्लम की इससे आसान रेसिपी आपको नहीं मिलेगी। ये बहुत ही आसान और झटपट रेसिपी है। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, और साथ ही 2 टमाटर का हमने पीस के पेस्ट बना लिया था जिसे हमने इसमें ऐड किया है, और इसको अच्छी तरीके से आप इस तरीके से मिक्स कर देंगे। 1 छोटा चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर डाली है, और फिर से हम थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करेंगे। इस तरीके से आप इसे मिक्स कर देंगे। नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये किस कंसिस्टेंसी पर है। ये घी इसने छोड़ दिया है, और बनते बनते इसने घी छोड़ दिया है। और हमने इसमें बादाम जो हमने उबाले थे उसको छील के साइड में रख लिया था, वो भी इसमें ऐड किया है। नाज़रीन, अब हमें इसे हल्की आंच पर 1/2 घंटे के लिए पकाना है। तो 1/2 घंटा हो चुका है, आइए देखते हैं।
देखिए इसका मसाला भी काफी खुश्क हो चुका है और हमने कितनी आसानी से मिनटों में तैयार किया अपना मुर्ग मुसल्लम। बहुत तरीके से बनाया जाता है, तो एक तरीका हमने ये बताया है आप मुर्ग मुसल्लम का। इंशाल्लाह ताला और भी तरीके आपको आगे बताए जाएंगे। आकर बिल्कुल तैयार हो चुका है, ये बिल्कुल अंदर से भी गल चुका है, हमने छुरी की मदद से भी इसे चेक किया है। तो आइए अब इसे जल्दी से हम निकाल लेते हैं, सर्व करते हैं। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, अपने मेहमानों के सामने सर्व कीजिए या कोई पार्टी वगैरह है उसमें बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही रॉयल डिश है। अब हम इसको गार्निश भी कर लेते हैं थोड़ा सा। हमने इसमें हरा धनिया, नींबू, टमाटर और खीरा वगैरह रख दिया है, साथ ही हम ऊपर से थोड़ा क्रीम डाल देंगे। और हमने हैंडफुल ऑफ मखाना लेकर उसे तल कर इसमें ऐड किया है ऊपर से। करते हैं, आपको हमारी मुर्ग मुसल्लम की रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है लजीज पकवान्स को, वो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी मिलती रहे, और आगे जितना हो सके रेसिपी को शेयर करें और लाइक करें। तो दीजिए इजाजत, फिर से मिलते हैं एक नई झटपट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।